हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस लेटर नंबर 3, ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आपने देखा होगा जो मैंने फर्स्ट बिजनेस लेटर पढ़ाया था उसमें मैंने इंक्वायरी भेजी थी कि भाई मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे कोटेशन कैटलॉग वगैरह दीजिए। दूसरे में फिर एक तरह से एक शॉपकीपर ने रिप्लाई किया था। अब हम एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करें, मीन्स एक तरह से हमने जहां जहां से जो इंक्वायरी करनी थी वो कर ली और अब हम एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली आवर बिजनेस लेटर 3। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट की तो इसका सब्जेक्ट होगा लाइक ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक दैट। तो अब इस लेटर को आप किस तरह से लिखेंगे, तो सीधा आप स्टार्ट करेंगे वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स एंड रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज। काइंडली एंश्योर दैट डिलीवरी कंटेन्स प्रोडक्ट्स ऑफ रिक्वेस्टेड ब्रांड्स ओनली। यानी सबसे पहले आपने बोल दिया कि हम ये आइटम, ये क्वांटिटी इस ब्रांड की खरीदना चाहते हैं, ये आप हमें दे दीजिए। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो जो हमने इंक्वायरी की थी सपोज उसी तरह से हमें चाहिए, यही सीलिंग फैंस इसी का हमें चाहिए, तो इसी तरह से एक टेबल आप बना देंगे। ये टेबल बहुत छोटी है, आपके एग्जाम में अगर स्पेसिफिक आइटम्स बताई हों तो वो आप बता दीजिए, नहीं तो दो चार आइटम आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैंने कहा था एक एसी इन्वर्टर है ना, टेबल फैंस, कुछ भी आप आइटम्स इसमें आप बढ़ा सकते हैं। नाउ उसके बाद जब आपने ये कर दिया तब आप फिर कुछ चीज़ें और बोलेंगे, जैसे प्लीज इंश्योर डिलीवरी बाय, जो भी आपकी लेटर की डेट है उसके हिसाब से है ना, सपोज बाय 23rd अप्रैल 2020 आपने डेट दे दी मैक्सिमम बिटवीन, अब स्कूल है सपोज आपका तो वो तो मॉर्निंग में ही खुलता है, तो बिटवीन 8 AM to 3 PM ऑन एनी वर्किंग डे। हाथ के हाथ अपने डिस्काउंट को भी इंश्योर करना चाहोगे, वी आर प्रिज्यूमिंग दैट वी आर एलिजिबल फॉर से 8% डिस्काउंट एज कंफर्म्ड इन योर रिप्लाई। ठीक है ना, आपने जो रिप्लाई मंगवाई थी उसमें उन्होंने 8% डिस्काउंट दिया था, तो आपने बोला कि भाई हम ये इंश्योर, हम ये मान के चल रहे कि आप हमें वो दोगे, ठीक है ना। आल्सो रिक्वेस्ट यू टू सेंड GST इनवॉइस अलॉन्ग विद डिलीवरी फॉर क्विक पेमेंट। ठीक है, फर्दर इंश्योर, यानी आपने क्या क्या किया, देखो शुरू में आपने कहा कि हम ये आइटम, ये क्वांटिटीज ऑर्डर करना चाहते हैं, डिलीवरी रिक्वेस्टेड ब्रांड्स की ही भेजना, फिर आपने बता दिया ये सीलिंग फैन इतनी क्वांटिटी इस ब्रांड का चाहिए, फिर आपने कहा प्लीज इंश्योर डिलीवरी बाय दिस डेट, आपने एक डेट दे दी, टाइम बता दिया, वर्किंग डे बोल दिया, फिर आपने डिस्काउंट भी अपना कन्फर्म कर लिया, फिर आपने GST इनवॉइस भी मंगवा लिया, आजकल GST इनवॉइस की जरूरत पड़ती है ताकि आप पेमेंट कर सके, ठीक है ना। फिर आप बोल रहे हो कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर हम सारा आइटम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर इंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑल द आइटम्स टू अवॉइड रिजेक्शन, राइट। अब इसके बाद आप इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस के एंगल से एक दो लाइनें और भी डाल दोगे, जैसे पेमेंट वुड बी मेड इन चेक ओनली। आप ये क्लैरिफाई करोगे हम चेक से ही पेमेंट करते हैं, कैश नहीं मिलता, सो पेमेंट वुड बी मेड इन चेक ओनली विद इन 7 days आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड चेकिंग बाय द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, सपोज स्कूल ने ऑर्डर किया है तो, ठीक है ना।
are also requested to ensure that items are properly packed to avoid any damage during transit. ऐसे ही आपने एक प्रिकॉशनरी लाइन बोल दी कि भाई ठीक से सामान जो है वो पैक करके भेजना ताकि हमारा रास्ते में कोई लॉस ना हो. बस उसके बाद भाई थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. तो ये एक ऑर्डर प्लेस करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया. मैं फिर रिपीट कर दूं लेटर को. आपने सब्जेक्ट बड़ा क्लियरली लिखा है, ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इट कैन बी फॉर बुक्स आल्सो. इसके अंदर थोड़ा सा जैसे अगर बुक्स वगैरह या स्पोर्ट्स गुड्स के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं अगर आप गाइड्स में देखें या गूगल पे आप देखें, तो उसमें सिंपल आइटम्स और इस तरह से आप लिख सकते हैं. ब्रांड अगर कोई है तो आप ब्रांड भी उसमें मेंशन कर सकते हैं. फिर मैंने अपनी सब चीज़ें लिखी हैं अगर आप ध्यान से देखें, किस डेट तक डिलीवरी चाहिए, किस टाइम चाहिए, वर्किंग डे पे चाहिए, डिस्काउंट के बारे में आपने बात की है, देन आपने जो है वो जीएसटी इनवॉइस की बात की है, क्वालिटी आपने इंश्योर कहा है, फिर आपने पेमेंट बताई है चेक से मिलेगी, 7 दिन में मिलेगी आफ्टर चेकिंग बाय जो है वो आफ्टर डिलीवरी गुड्स एंड चेकिंग बाय द परचेज डिपार्टमेंट, फिर आपने पैकिंग के लिए भी बोल दिया, और इससे ज़्यादा आप एक ऑर्डर में क्या लिखेंगे, ठीक है ना. तो इस तरह से आप जो है इस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. लास्ट में तो फिर वही होता ही है, थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली, वो सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना. सो ये जो मैं आपको लेटर्स दे रहा हूँ ये बेसिकली स्टैंडर्ड लेटर्स हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं. इनको आप जरूर नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं. राइट, थैंक यू.